हाय एवरीवन, फिर से न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि दोस्तों, अगर आप भी पक्षी और जानवरों की वीडियोज बना करके सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आप लोग पैसे कमाना चाहते हैं, तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोग को बतला देता हूँ। जैसे कि आपने इस वीडियो को थंबनेल पे देख करके ही आप लोग इस वीडियो को क्लिक किया होंगे, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह से हमेशा कंटेंट लाते रहूँगा। और दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूब पे शुरू से, अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं या यूट्यूब पे आना चाहते हैं या यूट्यूब पे लाइफ में कभी भी आना चाहते हैं या आप यूट्यूब पे आ चुके हैं, तो दोस्तों उसके लिए भी मैं टिप्स पे देते रहता हूँ। अगर आपका कोई भी कंटेंट का कमी होता है तो आप कमेंट कीजिए, आप कौन सा कंटेंट बनाते हैं उस पे मैं कंटेंट लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको एक सिर्फ कॉपी पेस्ट करने के लिए आप लोग को बतलाऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन होता है उसको दोस्तों आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और मैं इंस्टाग्राम से मैं आप लोग को कॉपी करके आज बताने वाला हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, सर्च बॉक्स में जाना है एंड जैसे आप सर्च बॉक्स में जाएंगे तो ऊपर में आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग को सर्च क्या करना है, आप ध्यान से देखिए, ये जो मैं आपको टिक लगा रहा हूँ यहाँ पे देखिए, LOVE लव विलिव ग्रीन, तो यहाँ पे आपको इस तरह से सर्च कर देनी है। एंड जैसे आप सर्च करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इसका फॉलोवर्स है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं कि इसका फॉलोवर कितना है, 191,000, यानी कि आप लोग देख सकते हैं लगभग में 200,000 इसको फॉलोवर्स कंप्लीट हो गया है। इन्होंने पोस्ट कितना किया है, सिर्फ 244 किया है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, यहीं से आप लोग को कॉपी कर लेना है। एंड आप दोस्तों ये तो अनलिमिटेड के लिए मैं बता रहा हूँ, इससे अनलिमिटेड भी बन सकता है। कैसे बनता है वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसको अगर हम आ जाते हैं एंड वीडियो वाले में एंड इसको व्यूज की कोई कमी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि 18.5 के यहाँ पे 115 मिलियन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा व्यूज है, 239 के। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 214 के, यहाँ पर 183 के, यहाँ पे 203 के। तो दोस्तों व्यूज की कोई कमी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ कि इस तरह से आप लोग वीडियोज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग को इंस्टाग्राम पे कहीं से भी आपको इंस्टाग्राम से वीडियोज को डाउनलोड कर लेना है जो कि पक्षी और जानवर से रिलेटेड हो, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली मैंने एक वीडियोज को यहाँ पे ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक किसी वीडियो को ओपन कर ले रहा हूँ, जैसे कि ये वीडियोज है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैंने ओपन कर लिया हूँ एंड इसको मैंने यहाँ पे शेयर वाले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे थ्री डॉट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे शेयर वाले पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है एंड शेयर वाले पे जाने के बाद यहाँ पे लिंक, यहाँ पे कॉपी लिंक का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे कॉपी लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इस वीडियो को लिंक जो है कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो एंड दोस्तों अब आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे आप ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है एंड यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोडर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्च कर दिए, ठीक है। जैसे मैंने इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड सर्च किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आया। एंड यहाँ पर दोस्तों किसी भी एक वेबसाइट को ओपन कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम डाउनलोडर, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करें तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा एंड यहाँ पे URL डाल देना है, जो भी रील्स आपने कॉपी किए थे URL डालने के बाद एंड यहाँ से आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं एंड दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि इस तरह से अगर आप कंटेंट बनाते हैं बिना वॉयस ओवर के, बिना चेहरा दिखाएं, तो आपका चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ऐड आ गया, तो ऐड को स्किप कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली यहाँ पे डाउनलोडर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको डाउनलोड सिंपली क्लिक कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि ऐड दे दिया है, तो ऐड को स्किप होने देते हैं एंड मेरा ऐड जो है स्किप हो गया है और ये जो मेरा वीडियो है डाउनलोड हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। एंड होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो आपको यूट्यूब में आना है। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बता रहा हूँ उस तरह से आप लोग को प्रोसेस कर लेनी है एंड यहाँ पर आप लोग को आ जानी है, यहाँ पे आपको आ जाना है YouTube पे। आने के बाद यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्या करना है, यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, नो कॉपीराइट, NO नो कॉपीराइट
म्यूजिक यहाँ पे आपको सर्च कर देना है, इमोशनल म्यूजिक डाउनलोड, ये किसी भी तरह से नो कॉपीराइट म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है। एंड नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको नो कॉपीराइट म्यूजिक यहाँ पे सर्च कर देना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे नो कॉपीराइट म्यूजिक मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, एक किसी भी इमेज को यहाँ पे एक मतलब एक यहाँ से जैसे कि मैंने इसको ओपन कर दिया हूँ, ठीक है, इसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आप लोग को नहीं बता सकता हूँ यूट्यूब पे, और क्योंकि यूट्यूब ने वीडियो को रिमूव कर देता है और कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देता है, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी मतलब कमेंट कर देना, मैं उसको भी सलूशन ले आऊँगा। तो दोस्तों इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। एंड डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, एंड एक एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इनशॉट का एप्लीकेशन को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने इसको ओपन किया तो मेरे पास कुछ इस तरह से इनशॉट एप्लीकेशन आ गया। एंड इसको वीडियो वाले में सेशन में जाएंगे, एंड यहाँ से आपको न्यू पे क्लिक करेंगे। एंड ये जो आपको लग रहा है वीडियो वाले, यहाँ पे तीन फॉर्मेट लगेगा, वीडियो ऑडियो एंड ऑल, ठीक है, वीडियो फोटोज ऑल। तो यहाँ पे वीडियो वाले सेशन में क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा टिकट को, सिंपली आपको टिकट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप टिकट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। एंड यहाँ पे आप लोगों का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कन्वर्ट का, तो यहाँ पे इस पर आप क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको 9.16 की रेशियो ले लेनी है, एंड यहाँ पे आप लोग टिकट कर देनी है। दोस्तों यहाँ पे अब आप लोग को क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे इनशॉट एप्लीकेशन जो दिखाई दे रहा है, इनशॉट एप्लीकेशन के उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऐड आएगा, ऐड को स्किप करिएगा तो वो जो लोग आपको हट जाएगा, ठीक है। एंड दोस्तों अब आपको क्या करना है, ये जो आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है लेयर पे, और इसका जो भी साउंड होगा साउंड के यहाँ पे म्यूट कर देना है, ठीक है। एंड म्यूट करने के बाद टिकट कर देना है। एंड अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे म्यूजिक वाले पे आ जाना है। जैसे आप म्यूजिक वाले पे आते हैं, फिर से यहाँ पे म्यूजिक पे जाना है, एंड माई म्यूजिक पे यहाँ पे आ जाना है। माई म्यूजिक पे आने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड यहाँ पे आप लोग को एक म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी भी एक म्यूजिक की सेलेक्ट करके यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। यूज करने के बाद यहाँ पे आपके कुछ इस तरह से आ जाएगा, तो इसको मैं डबल कर देता हूँ ताकि लास्ट तक हो जाएगा। एंड यहाँ से मेरा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है तो इस पर क्लिक करके एंड स्प्लिट पे क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों अब मैं आप लोग को इसको सुना रहा हूँ कि किस तरह से मेरा जो वीडियोज बनकर रेडी हो गया। तो दोस्तों आप लोग को दिखा दिए कि मेरा जो वीडियो किस तरह के बनकर रेडी हुआ है। एंड अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग चैनल का नाम लिख लेना है। यहाँ पे जैसे आप चैनल का नाम लिखते हैं तो इस तरह से होगा, चैनल के नाम पे टेक्स्ट पे क्लिक कर दें एंड यहाँ पे जो भी आपका चैनल का नाम है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल वाला, यहाँ पे टेक लिख देता हूँ, ठीक है, मोबाइल वाला टेक लिख दिया। एंड यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से छोटा करके एंड इस तरह से आप लोगों को आसानी से कर देनी है। एंड इसको लेयर को खिसका करके लास्ट तक कर देना है, एंड जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होगा स्प्लिट पे करके डिलीट कर देनी है। एंड दोस्तों अब आपको कुछ डॉट लगता है तो एंड आप ये भी कर सकते हैं, अपने फेस का भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे पिप पे सिंपली क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, फोटोज वाले पे क्लिक करके एंड यहाँ से आप लोगों किसी भी एक फोटोज को अपना यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक किसी को फोटो को मैंने यूज कर ले रहा हूँ, जो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मेरा फोटोज है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रॉप कर ले रहा हूँ, ठीक है। एंड क्रॉप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने क्रॉप कर लिया हूँ। एंड क्रॉप करने के बाद आपको इस तरह से कहीं भी एडजस्टिंग कर देना है, इस तरह से यहाँ पे ये कहीं पे भी आप लोग को इस तरह से एडजस्ट कर देना है ताकि आपको फेस वैल्यू भी बन सके। तो इस तरह से करने के बाद एंड यहाँ पे आपको लास्ट तक आ जानी है। एंड ये जो आपको लोक रहा है इसको स्प्लिट पे क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब जो मेरा वीडियो जो है बनकर रेडी हो गया, अब मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख लें कि किस तरह से मैंने इस वीडियो को बनाकर रेडी किया हूं। तो आप लोग मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको ज़रूर से नॉलेज मिला है, तो आप लोग इस पर जरूर से आप लोग काम कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। एंड दोस्तों अब आपको बता रहा हूं कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है। सबसे पहले तो ऊपर में आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव पे जैसे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे दोस्तों हाई क्वालिटी में 1080 पे क्लिक करके एंड यहाँ पे आप लोग को सेव पे सिंपली क्लिक कर देना है। ये जो आपको सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे सेव पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कर दें तो ये जो वीडियो जो आपको होगा कुछ ऐड दे देगा, ऐड को स्किप सिंपली कर देना एंड ये जो आपको गैलरी में सेव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100% होगा तो गैलरी में सेव हो जाएगा। सो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको नॉलेज जरूर मिला है, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।